मित्रों 2014 में देश की इकोनॉमी की हालत खस्ता हालत थी और आज 2019 में मैं जब आपके सामने दीक्षांत प्रवचन कर रहा हूं उस वक्त देश की इकोनॉमी की हालत क्या है। आज मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल काफी मजबूत स्थिति के अंदर है। भारत दुनिया में आज भी सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। हमारा विकास दर 7% से ऊपर है। महंगाई जो 9% के आसपास रहती थी 3% के नीचे ले जाने में हमें सफलता मिली है। फिस्कल डेफिसिट 5% को छूने के लिए आंकड़ा आगे बढ़ रहा था, आज 3.3% तक रोकने के लिए हम सफल हुए हैं। IMF ने भी अगले दोनों साल के लिए 19 और 20 के लिए भारत सबसे ज्यादा तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनेगा इसका आश्वासन दिया है। और प्रधानमंत्री जी ने एक विजन रखा है कि भारत ने अब नीचा लक्ष्य नहीं रखना चाहिए, दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी के अंदर भारत 2022 तक पहुंचाने का लक्ष्य देश के प्रधानमंत्री ने रखा है। जब हम आजादी का 75वां साल मनाते होंगे उस वक्त भारत दुनिया की सबसे ऊपर की 3 अर्थव्यवस्थाओं के अंदर दिखाई दे, इसलिए एक माइक्रो प्लानिंग कर ये देश अब आगे बढ़ रहा है और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए भी हम आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, मैं वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2019 के अंदर 18-19 में ग्रीन फील्ड निवेश 2 टाइम बढ़कर $56 बिलियन हुआ है। 18-19 में FDI $64.4 बिलियन हो गया, 17-18 में $60.9 बिलियन था, एक जमाने में वो $50 बिलियन से नीचे रहता था, आज हम आगे बढ़े हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रैंकिंग में 2014 में हम 142वें स्थान पर खड़े थे और 2019 में हम 77वें स्थान पर आ गए हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और विश्व भर के इन्वेस्टर को वो आकर्षित करता है। रेटिंग एजेंसियों ने भी भारत की रेटिंग के अंदर बहुत बड़ा सुधार किया है। 13 वर्षों के बाद BAA3 से BAA2 कर भारत के अंदर जो संभावनाएं पड़ी है उसका सर्टिफिकेशन विश्व की रेटिंग एजेंसियों ने भी किया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स के अंदर भी 13 स्थान का सुधार किया है। पहले हम 71 के पायदान पर थे, आज 58 नंबर के पायदान पर खड़े हैं। और GST सबसे बड़ा बिक्री कर सुधार, सबसे बड़ा सेल टैक्स रिफॉर्म आज भारत में हम सफलता के पूर्वक लागू कर गए। मुझे मालूम है मुकेश भाई मुझे बताते थे कि अमित भाई GST तो हम लोगों के लिए तो अच्छा है मगर पॉलिटिकली आपका बहुत नुकसान करेगा। उस वक्त भी मैंने मुकेश भाई को कहा था और आज भी कहता हूं, नरेंद्र मोदी जी फैसले लोगों को अच्छे लगे ऐसे नहीं लेते हैं, लोगों के लिए अच्छे हो ऐसे फैसले नरेंद्र मोदी लेते हैं और इसके लिए पॉलिटिकल कीमत चुकाने की प्रधानमंत्री की हिम्मत भी है, जज्बा भी है।